मजा तो सफर का है मेरे दोस्त, मंजिल तो मिल ही जाएगी। मुझे हमेशा से मंजिल की ओर ले जाने वाले रास्ते अपनी तरफ ज़्यादा खींचते हैं, क्योंकि जो मज़ा सफ़र का है वो मंजिल का नहीं। और जब बात सफ़र की हो पहाड़ों में, तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ जब अपनी दोनों बाहें फैलाए आपको अपने अंदर समेटने के लिए आपका स्वागत करते हैं, तो उसकी तो कुछ बात ही और है। जो लोग पहाड़ों में रहते हैं उनके पास कुछ ना होने के बावजूद भी वो सब होता है जो हम शहरों में रहने वालों के पास कभी नहीं होता। वो है नेचर, सेटिस्फैक्शन और सुकून। तो स्वागत है दोस्तों आपका बैकपैक एक्सपेडिशन में, और ये हमारा स्पीति सीरीज़ का एपिसोड 4th होने वाला है, और इसमें हम आजा से की मॉनेस्ट्री जाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक और दिन शुरू हो गया है हमारे ट्रैवल जर्नी का, और कल मैं स्टे करा था काजा में। और अगर आप आ ही रहे हैं आगे, और अगर आपको नेटवर्क का कोई इशू नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग काजा में रुकना बेकार है। काजा कमर्शलाइज जगह है पूरी, और ऐसा कुछ खास काजा में करने को भी नहीं है, जस्ट एक बेस की तरह आप काजा को यूज़ करते हैं। तो इससे बेटर तो ये है कि आप काजा से थोड़ा 10-12 किलोमीटर आगे आके किसी गांव में होम स्टे में रुके, वो इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि काजा में सिर्फ और सिर्फ कमर्शलाइजेशन के अलावा कुछ नहीं है, हर आदमी आपको लूटने के लिए खड़ा है। अब तो हम जा रहे हैं हिक्किम, कॉमिक और लांगजा और की मोनेस्ट्री, देखते हैं कहाँ तक हम अपनी गाड़ी को लेके जा सकते हैं, कवर करते हैं। और बाकी आप नज़ारा देखते रहिए, मेरे सामने अभी पहाड़ आ चुके हैं बिल्कुल जब बर्फ़ से ढके हुए हैं। और कुछ दो चार इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मैं बता दूं। पहले जो सर्विस थी काजा में बाइक रेंट पे लेने की, क्योंकि हमारा भी प्लान यही था कि आगे हम बाइक से जाएंगे, लेकिन जो टैक्सी यूनियन है काजा की उनका और जो रेंट पे बाइक्स दी जाती हैं उनका आपस में कुछ चल रहा है विवाद, उसकी वजह से बाइक पे रेंट पे मिलना इम्पॉसिबल है। हमने फिर टैक्सी वालों से बात की जाने के लिए, तो टैक्सी यूनियन की अपनी मनमानी इतनी ज़्यादा चल रही है कि 12 से 15 किलोमीटर जाने के वो 3000 से 4000 रुपए डिमांड कर रहे हैं उससे, और एक पैसा वो कम नहीं करते। तो उसके बाद हमने डिसाइड यही किया है कि हम अपनी ही गाड़ी को लेके जाएं और थोड़ा एडवेंचर एक्सप्लोर करें अपना, देखते हैं कहाँ तक जाती है गाड़ी, कहाँ तक नहीं जाती। सुना है कि लांगजा में थोड़ी रोड ख़राब है, और जैसा भी होगा मैं आपको अपडेट दे ही दूंगा रोड के बारे में भी या जाने आने के बारे में भी। तो अब हम निकले हैं काजा से की मोनेस्ट्री जाने के लिए, और यहाँ तो हर व्यू ही सीनिक व्यू है। आप देख ही सकते हैं कि पहाड़ों के ऊपर जो बादल की परछाई पड़ रही है वो देख के कुछ ऐसा ही लगता है जैसे आप अपनी किसी सपनों की दुनिया में खोए हुए हैं, और रियलिस्टिक तो कहीं से भी ये नहीं लगता। रोड की कंडीशन अभी तक तो ठीक हैं, और आगे जैसा जैसा रोड का कंडीशन मिलेगा वो मैं आपको दिखाता ही जाऊंगा, आप भी देखिए। और ये जो पहाड़ों में ऊपर आप कटिंग्स देख रहे हैं ये भी रोड्स हैं, और ये ऊपर हिक्किम और कॉमिक तक जाती हैं रोड्स, और देखने में इतना अद्भुत नज़ारा है कि मैं आपको क्या बताऊं। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ बर्फ़ से ढके हुए, अब गर्मियों का सीज़न है इसलिए बर्फ़ कम है, वरना तो सर्दियों में तो ये सब बर्फ़ से ढके होते हैं। नीचे स्पीति रिवर है और सामने फिर ऊंचे ऊंचे पहाड़। व्हाट अ व्यू ऑफ वैली। और अब जो ब्रिज आने वाला है सामने, इस ब्रिज से अगर हम लेफ्ट लेते हैं तो हम मनाली की साइड लोसर भी जा सकते हैं और रंगरी गांव भी जा सकते हैं जो विलेज पड़ता है। अगर सीधे निकल जाते हैं तो हम जाएंगे की मोनेस्ट्री और किब्बर के लिए, और अगर हल्का सा यू टर्न लेके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं तो हम पहुंचेंगे आपका हिक्किम, कॉमिक और लांगजा के लिए। वीडियो में भी आपको मैं डायरेक्शन शो कर दूंगा।
हम जैसे घुमक्कड़ लोगों के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है ट्रैवल करना। और अगर ये जो हम इंसानों ने इतने बैरियर बना दिए हैं अपने, और इतनी हमने लोकेशन सेंट्रिक देश और अपने अपने बॉर्डर्स लगा दिए हैं, अगर ये सब बॉर्डर्स हट जाएं तो हमारे जैसे लोगों के लिए कितना ही ज़्यादा अच्छी होगी ये चीज़ कि हम चाहें तो यहाँ से पार करके हम जो पाकिस्तान जा सकते हैं, वहाँ से क्रॉस करके हम अफ़गानिस्तान जा सकते हैं, वहाँ की ब्यूटी देख सकते हैं विदाउट एनी परमिशंस, वीज़ा का या जो भी झंझट होते हैं। तो अगर ऐसा हो तो कितना अच्छा होगा। और मेरा ये मानना है कि जब ये चीज़ें होंगी तो जो एक कुछ ख़राब लोग होते हैं कम्युनिटी में, जिनकी वजह से ये सब करना पड़ता है हमारी सरकारों को या आर्मीज़ लगी होती हैं उनको, तो वो चीज़ भी ऑटोमेटिक कम होगी, लोग घूमेंगे। अगर ऐसा हो जिस जो बॉर्डरलेस दुनिया हो तो वो कितनी ही अच्छी रहेगी। और जो मेरे पाकिस्तानी दोस्त देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो जैसा आपका स्कर्दू का एरिया है वैसा ही जस्ट इंडिया में स्पीति का एरिया है। वहाँ का एरिया भी मैंने कुछ वीडियोस में देखा है यूट्यूब पे ही, वो एग्जैक्ट ऐसा ही है और ये भी लैंडस्केप ऑलमोस्ट उसी के जैसा है। और ये जो व्यू है, इस व्यू को मैं क्या ही डिस्क्रिप्शन दूँ, आप खुद देखिए कितना सुंदर है। और एक बार लाइफ में ज़रूर वक्त निकाल के इस वैली को ज़रूर एक्सप्लोर करें। आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप यहाँ से निराश हो के नहीं लौटेंगे। हमें पता नहीं था कि लांगज़ा की रोड इतनी ज़्यादा ख़राब होगी कि हम नहीं जा पाएंगे लांगज़ा, अनफॉर्चुनेटली। बट कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। हम रास्ता भटक के रंगरीक तक आए थे और रंगरीक में भी हमें एक सेम वैसी ही बुद्धा की स्टैचू देखने को मिली जो लांगज़ा में है। बस हाइट थोड़ी सी इनकी कम थी, लेकिन हम रास्ता भटक गए और पहुंच गए रंगरीक। वहां जाकर हमने पता करा तो जो लकड़ी वाला ब्रिज आता है, अगर वहां से हम चले जाते हैं सीधा तो पहुँचते हैं की मोनेस्ट्री और किब्बर। लकड़ी वाला ब्रिज क्रॉस करने के बाद एक गेट आता है, वो हिक्किम कॉमिक और लांगज़ा के लिए जाता है। जस्ट हमसे वो मिस हो गया, वो देखते हैं कहाँ मिलेगा, जैसे ही मिलता है आपको भी दिखाते हैं ताकि आप लोग आएँ तो आप लोग हमारी तरह गलत डायरेक्शन ना ले लें। दोस्तों प्लान में थोड़ा सा चेंज है, पहले हम लोग अब जा रहे हैं की मोनेस्ट्री, क्योंकि जब हम की से वापस आएंगे तो सेम इसी रोड पे ऊपर चढ़ने के बाद हिक्किम कॉमिक और लांगज़ा तीनों एक ही रूट पे हैं। तो अगर हम पहले वहाँ पे जाते तो वहाँ से वापस आते हुए हमें दोबारा और ऊपर चढ़ना पड़ता, और अगर हम की मोनेस्ट्री पहले चले जाते हैं तो हमें सिर्फ वापस आते हुए ताबो के लिए निकलना है। तो ताबो के लिए आते हुए सीधा हम निकल सकते हैं इसी रोड पे, रूट पे। और लोग जहाँ जब इतने ज़्यादा यहाँ आने लगे हैं तो लोग गंदगी फैलाने लगे हैं, ये चीज़ साफ दिखाई भी देती है यहाँ, और उसका असर पड़ता है नेचर पे। और लकड़ी के ब्रिज जैसे ही आते हैं यहाँ पर गाड़ी चलाने में लगता है डर, पता नहीं ये ब्रिज जो है कब गिर जाए कब ना गिरे, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा डर रहता है। यहाँ की लोगों की लाइफ जो है उनकी लाइफ है सिर्फ मेहनत, हमारी तरह प्रिविलेज नहीं है कि हम अमेजोन से हमें कुछ चाहिए तो वन डे डिलीवरी दिल्ली में आ जाती है, टू डे डिलीवरी। यहाँ पे जीने का मतलब है ना फ्लिपकार्ट, ना अमेजोन, ना इंटरनेट, बैंकिंग लिमिटेड टाइम के लिए ख़राब हो गया सर्वर तो भी कोई गारंटी नहीं कब तक सही हो कब नहीं हो, और मार्केट लोकल है, यहाँ पे आपको कोई शोरूम जैसी चीज़ें नहीं मिलेंगी, हाई टेक गैजेट्स जैसे हमें फिल्मिंग के लिए चाहिए होते हैं यहाँ कुछ अवेलेबल नहीं है। यहाँ की लाइफ है बेसिक,
बस जो नेचर ने प्रोवाइड कराया है उसके सहारे ही सस्टेन करते हैं। और एक तरीके से अच्छी बात भी है कि जैसे जो हमारी सिटीज़ हैं उनमें लोग एक रेस में भाग रहे हैं एक दूसरे से आगे निकल लेंगे, वहाँ उनके पास टाइम ही नहीं है ना अपनी फैमिली के लिए ना कुछ। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ शांति है, शांति के अलावा यहाँ कुछ नहीं है, नेचर और शांति। आप लोगों को मैं दिखाता हूँ, सामने आ रहे हैं बर्फ वाले पहाड़, बिल्कुल स्नो कैप माउंटेन। आप देखिए व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर है। और लगभग लगभग हम की मोनेस्ट्री से शायद अब 3 किलोमीटर दूर हैं और पहाड़ों का टेक्सचर देखिए कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जो हमारी उलझने हैं हमारे दिमाग में हम सब कहीं पीछे छोड़ आए हैं और बस यहाँ अपनी लाइफ की जो सिंप्लिसिटी है उसको एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट में जी रहे हैं और सिर्फ नेचर को देख रहे हैं। और ये जो आप अंधेरा होता हुआ देख रहे हैं बीच में वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि बादल बहुत ज़्यादा नीचाई पे हैं, तो जिस जिस जगह पे बादल आ रहे हैं ऊपर उस जगह पे अंधेरा हो रहा है और आगे 500 से 600 मीटर आगे ही धूप है। तो आप खुद सोचें कि कितनी ऊंचाई पे हम लोग हैं, कितनी ऊंचाई पे की मोनेस्ट्री है और इतनी ऊंचाई पे आने के बाद अगर आप लोग आते हैं तो कितनी ज़्यादा शांति का एहसास आपको होगा। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप गाज़ा में नहीं रुकना चाहते तो यहाँ पे कैंप्स बने हुए हैं और यहाँ होम स्टेज भी हैं की मोनेस्ट्री से नीचे ही जस्ट, तो आप उनको भी एक बार देख सकते हैं, वो भी काफ़ी अफोर्डेबल रहेगा और आपका एक्सपीरियंस तो अमेजिंग होने वाला है यहाँ का। और वो दूर हमें दिखती हुई ऊपर पहाड़ के क्लिफ पे की मोनेस्ट्री, वहीं तक हमें जाना है, वो हमारी मंजिल है आज की। और देखते हैं क्या क्या व्यू मिलता है। और अभी तक तो इतना सुंदर व्यू मिला है कि जो मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ज़्यादा ही मिला है, कम तो नहीं मिला। दोस्तों फाइनली यहाँ से मुझे दिखने लगी है की मोनेस्ट्री और की मोनेस्ट्री तक मैं आई गया आखिरकार, वो भी सिविक को लेकर, देख सकते हैं आप। और मौसम काफ़ी ज़्यादा सही है, ठंड भी है। और आगे पहुँच के आपको दिखाते हैं कैसी है मोनेस्ट्री, क्या है। दोस्तों आप लोग ज़रा व्यू देखो एक बार, कितना सुंदर है। सामने बर्फ से ढके हुए ऊंचे ऊंचे पहाड़, नीचे बहती नदी और उसके साइड में विलेजर्स जो यहाँ किसान हैं उन्होंने अपनी खेती की हुई है जिसकी वजह से ग्रीन लश ग्राउंड्स दिख रहे हैं। एक ये सपनों का शहर जैसा है जो मुझे तो पर्सनली बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और बस मैं इस व्यू के बारे में क्या कहूँ, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं, आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो एक बार ज़रूर यहाँ पे आएँ। और इतनी बार मुझे ये बात इसलिए बोलनी पड़ रही है क्योंकि यहाँ एक भी जगह ऐसी नहीं है जो देखने लायक ना हो। अब रोड थोड़ी सी ख़राब आनी शुरू हुई है की मोनेस्ट्री से 1 किलोमीटर पहले, लेकिन वो इस खूबसूरती में मैं इतना ज़्यादा विलीन हो चुका हूँ कि मुझे रोड्स का पता नहीं चला कि रोड अच्छी है या ख़राब है। बस मैं चले जा रहा हूँ अपनी मंजिल की तरफ रास्ते को एंजॉय करता हुआ। और ये दूर से हमें दिखती हुई की मोनेस्ट्री, बस हम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद अभी एक मेन गेट आएगा, उसके अंदर ही हमें अपनी गाड़ी भी पार्क करनी होगी। और गाड़ी पार्क करने के बाद थोड़ी सी चढ़ाई है, शायद 100 मीटर के आसपास, उसके बाद हम पहुँचेंगे की मोनेस्ट्री। तो दोस्तों फाइनली मैं पहुंच गया हूं की मोनेस्ट्री और ये रही मेरी सिविक, पूरा एडवेंचर करा हमने इसके साथ।
और जस्ट मेरे पीछे ये है मोनेस्ट्री। जाएंगे अंदर, देखते हैं क्या रहता है क्या नहीं, अंदर का दिखाता हूँ आपको। जस्ट अपने एंटर हो रहा हूँ अंदर। हिस्ट्री क्या है इसकी आप लोग एक बार पढ़ लें ज़रूर। यहाँ पे थोड़ी सी मुझे लगता है ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है, सांस चढ़ रहा है। व्यू ऐसा है, थोड़ी सी चढ़ाई करने के बाद लगभग ये गेट आ गया मॉनेस्ट्री का अंदर। व्यू देखो आप, और जस्ट ये है मोनेस्ट्री का एंट्रेंस गेट। अंदर पता नहीं शूटिंग अलाउड है या नहीं है, कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा दिखाने का। एंटर हुए हम लोग मोनेस्ट्री में। मोनेस्ट्री के अंदर एंटर होते ही एक अलग सी ही दुनिया में प्रवेश होता है आपका, जहाँ एक अनोखी सी खुशबू है। सारे में आपको लामास दिखेंगे, छोटे से लेके बड़े तक, जो यहीं पर रहते हैं। इतनी छोटी सी मोनेस्ट्री में यहाँ अपना पढ़ते हैं, यहीं पर रहते हैं। अभी लंच टाइम हो रहा था और इनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी ज़्यादा होती है लामाओं की कि हम लोगों की भी इन्होंने चाय पिए बिना नहीं आने दिया। ये छोटे छोटे लामाज आप देख रहे हैं, ये सब यहाँ पे पढ़ते हैं। कल को फ्यूचर में जाके ये कोई ना कोई स्कॉलर बनेंगे, किसी ना किसी मोनेस्ट्री में ये भी बैठेंगे। और इनका डेडिकेशन, इनकी हॉस्पिटैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बस मैं आपको क्या बताऊँ। और यहाँ का ऑरा इतना पॉजिटिव है कि आप आते हैं तो आपको जितनी भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे होंगे आपके दिमाग में वो सब शांत हो जाएंगे और आप खुद एक पॉजिटिविटी फील करेंगे। और अब हम बात करेंगे यहाँ के किसी लामा जी से और यहाँ की इतिहास के बारे में, उनसे थोड़ा हम नॉलेज लेंगे कि यहाँ का इतिहास क्या है और यहाँ की मान्यताएँ क्या क्या हैं मान्यताएँ। तो आइए चलिए बात करते हैं। और यहाँ पे कौन से दलाई लामा, वो लामा जी कौन से थे यहाँ? यहाँ हमारे लोसन रिमोचे। अच्छा, 19th June गणेश। ओके ओके। टिबेट में 6th century में, ये 10th century में जो ट्रांसलेटर थे, और टिबेटन हिस्ट्री में मोस्ट पॉपुलर ट्रांसलेटर। अच्छा, मोस्ट पॉपुलर ट्रांसलेटर तिब्बतन हिस्ट्री में। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट रोल उन्होंने निभाया एज ए ट्रांसलेटर लैंग्वेज का।
ओके, और जितने ऊपर रूम्स वगैरह बने हुए हैं ये समाधि के रूम्स हैं, कैसे हैं? ये टेंपल मोनेस्ट्री सबसे पुराना ये वाला है। ओके ओके, ये वाला, ये जब से मोनेस्ट्री बिल्डअप हुआ था तब का मेन टेंपल ही है। ओके, बाकी फिर धीरे धीरे कंस्ट्रक्ट हुआ। ओके, और जो अंदर रूम्स में वो बैठने की जगह है वहाँ पे, मतलब कितने टाइम के लिए लामा जी बैठते हैं ध्यान करके? नहीं रहता, मंथ्स पे डिपेंड करता कि वो किस टाइम जाना जाते हैं। ओके, अर्ली मॉर्निंग होता है। अर्ली मॉर्निंग रोज के लिए होता है? डेली नहीं, नहीं वो जो हर रोज जैसे कुछ पूजा करते हैं, कुछ बड़े लामा लोग हैं जैसे वो अपना पर्सनल मेडिटेशन करते हैं। अच्छा अच्छा, बाकी तो फिर फिक्स टाइम ये रहता कि हमारा स्टडीज रहता है ना। ओके ओके, थैंक यू लामा जी। यहाँ का ऑरा मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे एनवायरनमेंट आपको दिखा दिया, यहाँ पे जो मॉन्क्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, ऑब्वियसली वो बच्चे हैं तो उनका खेलने का मन करता है और वो खेलते हैं, सब चीज़ करते हैं। और यहाँ की लाइफ कैसी है, अगर मैं इस वीडियो को और लंबा करता तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। बस नेक्स्ट वीडियो में हम जाएंगे हिक्किम से फिर हम जाएंगे ताबो वापस। तो तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए और चैनल को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।